सारी राइडर्स का आज मीटअप है। तो भाई मैं आपको आज का लाइनअप चेक कराता हूँ। ओ भाई, ओ भाई व्हील ही चेक करो, इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। भाई की आंखें देखो यार। देख रहे हो काफी अच्छी खासी भीड़ लग चुकी है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस आज संडे और हम लोग काफी दिनों बाद संडे राइड पे निकले हुए हैं, वो भी सुबह सुबह। बाकी यार आज का लाइनअप कुछ ऐसा है, एक डोमिनार मिसिंग है अपनी वाली, वो शिवम लेके गया हुआ है घर पे। माइक भूल गया था शिवम, तो माइक लेने गया हुआ है। यहाँ पे आके उसने सेटअप किया, घर से सेटअप करके नहीं लेके आया था। सुबह सुबह का वक्त है, ट्रैफिक वगैरह होगा नहीं, रोड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। बाकी यार आज हम लोग जा रहे हैं सिकंदर राव, और सिकंदर राव एटा के भी राइडर्स आ रहे हैं और कुछ राइडर्स भाई अलीगढ़ के भी आ रहे हैं। तो सारे राइडर्स का आज मीटअप है, तो हम लोगों ने सिकंदर राव डिसाइड की हुई है। सिकंदर राव एकदम मिड में है, सारे लोगों को पास पास पड़ेगा। हमारे यहाँ से भी सिकंदर 30 किलोमीटर है और एटा से भी 30 है और अलीगढ़ से भी अप्रोक्स 30 ही है। बाकी यार देखो शिवम भी आ गया है, काफी जल्दी आ गए भाई आप। देख रहे हो भाई क्या खतरनाक लग रही है अपनी डोमिनार। गाइस वो वाली नहीं लग रही है, देखो ये वाली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही। कम सीसी है, 250 सीसी में। बाकी यार मौसम देखो आज क्या खतरनाक हो रखा है। हम लोग जैसे ही राइड पे निकले ना भाई, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ने लगी थी, हमने कहा आज राइड कैंसिल हो गई। लेकिन भाई हल्की सी बूंदे पड़ के मौसम एकदम क्लियर फिर से। ये देखो मिट्टी मिट्टी भी दिख रही होगी आपको, ये बूंदों का ही कमाल है भाई। सो गाइस देखो अब कंप्लीट हुआ है आज का लाइनअप, देख रहे हो तीनों कितनी खतरनाक लग रही है भाई। दोनों ये दो वो उसको छोड़ देना। तो गाइस फटाफट निकलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन भाई ने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया है। भाई अंकल पीछे से मुड़ के देख रहे कि क्या आ रहा है। ये देखो भाई लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, इतनी लाउड है अपनी डोमी क्या ही बताऊं मैं। बाकी यार अपने को एयर प्रेशर और चेक कराना है क्योंकि काफी टाइम बाद निकल रही है। अब तक हम सीबीआर चला रहे थे, 25-30 में गए। दोनों टायर में थोड़ी थोड़ी हवा कम थी। देख रहे हो निकलते निकलते धूप हो ही गई है। हम लोग धूप से बचना चाह रहे थे लेकिन धूप से कोई कैसे बच सकता है। तो अगर गए धूप से बचना है तो 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। ओ भाई अचानक से बेकर आ गए, देख रहे हो आरआर की फ्लैब है। ओ भाई कटे इतने ज्यादा है ना, गोप्रो का एंगल ही बिगड़ जाता है भाई। फायर शॉट्स चेक करो आप। देख रहे दोनों साइड से ऐसे पेड़ आए हुए हैं, मस्त छाव मिल रही है हमें तो यहाँ पे। भाई बहुत ठंडक है इस रोड पे भाई, देख रहे हो बहुत प्लानिंग करी पहले उसने, पहले थोड़ा भागा फिर जैसी बाइक और पास आई फिर और तेज भागा। भाई अलीगढ़ वाले बंदे तो पहुंच चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हैं भाई। अगर हम एटा जाके सिकंदर राव आते ना तो वो डिसीजन सही रहता, डिस्टेंस तो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती लेकिन यार रोड हमें प्यारी मिलती। थोड़ी सी बाइक भागती है, गड्ढे जाते हैं, स्लो करना पड़ता है, फिर भगाओ फिर स्लो, फिर भगाओ फिर स्लो, रोड कम गड्ढे ज़्यादा हैं। उधर से हम लोग जाते तो हमें दुगना पड़ता, मतलब आसन से एटा है 30, एटा से सिकंदर राव भी 30 है और अभी हमें 30 पड़ेगा, वैसे हमें 60 पड़ता। लेकिन भाई रोड बहुत प्यारी मिलती भाई, बाकी के दोनों लड़के तो दिखाई नहीं दे रहे भाई। अभी मैं जा रहा हूँ लौट के पीछे क्योंकि यार निखिल और शिवम दोनों मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने कुछ टाइम आगे वेट भी किया, अभी देखो सामने ही दिख रहे हैं मुझे दोनों। क्या हुआ भाई? इसकी बाइक में सेम मेरा वाला इशू आ रहा है कि बैटरी एकदम से डाउन हो जाती है। मेरा इशू तो अपने आप ही ठीक हो गया भाई, ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। हो गई भाई, हो गई रहा हूँ यहाँ से 4-5 किलोमीटर बचा होगा, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं। तो ये बाकी के राइडर्स आगे पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग भी पेट्रोल पंप जा रहे हैं। तो भाई चाय अपनी आ चुकी है और राइड के बाद अगर चाय मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो भाई ये भाई आए हुए अलीगढ़ से, ये भाई सिकंदर राव से। भाई की आंखें देखो यार, लेंस लगवाऊंगा अभी मैं, नीले वाले नहीं सही लगते यार, नहीं सही लग रही है भाई, एकदम एकदम हट गए। नीले वाले लगवाऊंगा, मुझे नीली ज्यादा पसंद।
भाई अभी चाय पी के अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे पे और भाई एक जगह रुक के आज का लाइन अप आपको चेक कराते हैं। तो भाई मैं आपको आज का लाइनअप चेक कराता हूँ। ये देखो RC 390, RR 310, Dominar 400, Dominar 400, RS 200, RS 200, Pulsar N250 and the last RN5M. Guys, निकलते हैं। ये वाला हाईवे भाई बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे तक राइड पे इसी हाईवे पे। तो भाई अभी देखो नहीं आई ड्रैग RS 200 वर्सेस RS 200, तो ये दोनों भाई जा रहे हैं। ये ड्रैग आपको देखने को मिलेगी आरब के चैनल पे, आरब के चैनल का नेम यहाँ पे आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी भाई देखो वहां चल रही है व्हीली, वाह स्टॉप ही लग गई। तो भाई ड्रैग वाले बंदे तो आए नहीं, अब हम ही लोग आगे जा रहे हैं। ओ भाई फायर शॉट भाई निकल आ चुका 390 में। तो भाई देखो अभी होने जा रही है ड्रैग सारी बाइक्स की, सारी बाइक्स लग चुकी हैं RN5M, RR 310, भीड़ भीड़ में Pulsar 150 भी है, Dominar, RC 390 और Pulsar N250। सेगमेंट सब अलग है लेकिन एज अ फन हम लोग कर रहे हैं, तो 3 ऑन पे करते हैं, 3 ऑन पे। सो गाइस RS 200 भी आ रही है तो उन लोगों को भी आ जाने देते हैं, उन लोगों को भी जोड़ लेते हैं। ओ भाई ये नहीं जुड़ेंगे। सबसे अच्छा शिवम का था और देखो आगे कौन निकलता है ये देखते हैं भाई। भाई RC 390 गई है सबसे आगे, बाकी भाई आ गई RS 200, उसके बाद Pulsar N250। अभी मारने जा रहे हैं बर्नआउट मैं और अमित भाई दोनों एक साथ। हाँ ओ भाई देखो बर्नआउट के लिए और भी बंदे इंटरेस्टेड हो गए हैं। कौन कौन लगा रहा है? आरब भी इंटरेस्टेड हो गया भाई बर्नआउट के लिए। अपनी बाइक का भी पंखा चल चुका है। ओ भाई व्हीली चेक करो भाई, देखो चौथी बाइक ये थी जिससे बर्नआउट मारा जाना था और बाइक डर गई, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, धक्का लगा के स्टार्ट हुई है। लेकिन भाई N250 में ये अच्छी बात है, मतलब हाथ से धक्का लगा के स्टार्ट हो जाती है लेकिन डोमिनार नहीं होती भाई। भाई जब से मैंने ये टायर पड़वाया तब से मैंने कोई भी बर्नआउट नहीं मारा है, तो ये अपना फर्स्ट बर्नआउट है इस टायर के साथ। भाई आरब का टायर बहुत बुरी तरह घिस चुका है भाई, ये देखो ये अपनी गई है यहाँ से, ये देखो भाई टायर अपना, और आरब का टायर देखो भाई बहुत जा चुका है भाई। यहाँ पे तो वैसे आ हुआ है इतनी नहीं है। अरे अंधा पैसा भाई, अंधा पैसा भाई देख रहे हो टायर ऐसे बाहर आया है। अच्छा अच्छा भाई आरब की ना रिंग लाइट नहीं जल रही थी, बर्नआउट मारने के बाद रिंग लाइट जलने लगी। अभी भाई आगे तक एक राइड हो रही है, काफी देर से भाई ट्रैक चल रही थी, दोनों RS 200 आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही है RC 390। भाई रोड खत्म हो गई भाई, अगर 10-15 किलोमीटर की ऐसी रोड मिल जाए तो भाई क्या ही कहने, मजा ही आ जाएगा। ओ भाई R1M गोली की तरह निकली है। भाई बारिश आ गई भाई, आगे निकल
अलीगढ़ वाले भाई निकल रहे हैं और भाई का चैनल है भाई DRK मोटो ब्लॉग्स। जाओ और भाई के चैनल पे आके प्यार दिखाना। भाई का चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है। बाकी यार भाई भी काफी प्यारा प्यारा कंटेंट बना रहा है, तो यार जाओ और जाके प्यार दिखाओ। और निखिल भाई इनके साथ जा रहे हैं, निखिल भाई को अलीगढ़ जाना है। तो ओके भाई, फिर कभी मिलेंगे, ठीक है भाई। भाई को सर्विस वगैरह करानी है अलीगढ़ से। और भाई देखो बारिश भी आ चुकी है, देख रहे हो काफी अच्छी खासी भीड़ लग चुकी है बाइक्स वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि यार हम ना काफी देर से यहाँ पे, एक डेढ़ घंटे से ज्यादा हमें यहाँ पे हो गया होगा। और भाई आज का तगड़े फायर शॉट्स आए अपनी बाइक से। ओके भाई, नेक्स्ट संडे भाई बाइक बंद हो गई नेक्स्ट संडे के नाम पे। डर गई क्या? अगली बार नहीं आना। तो भाई आए थे हम तीन लोग, जा रहे दो लोग, पर यार आज के सीन्स बहुत खतरनाक थे, काफी मजा आया। तो यार बारिश आ रही है, GoPro अंदर रखना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो करते ही पे खत्म। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।